ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी सावन के सोमवार जो है वो आने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उनको विधिवत रूप से पूजन अर्चन करने के बाद में विसर्जन जो है वो करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि जो शिवलिंग है उनका जो हमें विसर्जन है वो कैसे करना चाहिए, और अगर मान लीजिए कि बगल में कहीं तालाब, कुएं या जो गंगा यमुना नहीं है तो जो विसर्जन है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए और कब विसर्जन जो है वो हमें करना चाहिए। तो देखिए, जो पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं उनकी विधिवत रूप से जो पूजन अर्चन है, एक तरीके से अभिषेक है, वो किया जाता है और उसके बाद ही उनका विसर्जन जो है वो किया जाता है। तो जब आप विसर्जन करें तो आप ध्यान रखें कि सूर्य भगवान के डूबने से पहले ही आपको विसर्जन जो है वो हर हालत में कर देना चाहिए। और जो विसर्जन है वो आप कुंड में, तालाब में, नदी में, गंगा, यमुना, सरोवर, जो झरना है उनमें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये भी समस्याएं हैं कि जो झरना या जो तालाब हैं, कुंड हैं, नदी हैं, वो हमारे आसपास नहीं है, हम कहीं बाहर रहते हैं, तो ऐसे में हमें जो विसर्जन है वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो अगर आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आपको पूजन और अभिषेक के बाद जो शाम का समय होता है, एक तरीके से जो जब भगवान सूर्य भगवान डूबने जा रहे होते हैं, उससे पहले कम से कम एक दो घंटे पहले ही आपको जो विसर्जन है वो कर देना चाहिए। अब ये नहीं करना चाहिए कि तुरंत बनाएं और तुरंत विसर्जन कर दें, ऐसा ना करें। विधिवत रूप से बनाने के बाद में, पूजन अर्चन करने के बाद में आप उनका विसर्जन करें, लेकिन सूर्य भगवान के डूबने से पहले ही आपको विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप बाहर प्रदेश में रहते हैं, आपके पास सुविधाएं नहीं हैं कि आप किसी भी गंगा, यमुना, तालाब, नदी, कुंड, झरने में जो विसर्जन है वो कर पाएं, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक बड़ा तसला, कोई भी बड़ी परात लेनी है, या आप बाल्टी भी ले सकते हैं, कोई भी ड्रम ले सकते हैं या टब ले सकते हैं, जो भी आपके घर में है वो आप ले लें। उसके बाद आपको जो शिवलिंग है उनका जो एक तरीके से विसर्जन है वो करना चाहिए। आपको जो पानी है उसमें अच्छे से, जब शिवलिंग जो है वो डूब जाए, मतलब पूरी तरीके से घुल जाए, तब आपको उस पानी को किसी भी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं या ऐसी जगह पर डाल सकते हैं जहाँ पे किसी के पैर ना पड़े, ऐसे विसर्जन जो है वो करना चाहिए। साथ ही साथ जो शिवलिंग है उनका विसर्जन जल में ही करना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जिसमें भी विसर्जन कर रहे हैं, देखिए जब किसी भी हम झरना, नदी, तालाब जो या गंगा यमुना में विसर्जन करते हैं तो फिर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम घर में बाल्टी में, परात में, किसी भी ऐसी चीज़ में विसर्जन कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि उस पानी को ऐसे नहीं कि आपने डाल दिया, बस छोड़ दिया, भूल गए, कल परसों फिर कभी पानी फैला दिया, ऐसे नहीं करना है। आप एक दो घंटे के लिए या आधा घंटा के लिए जितनी देर देखें कि अच्छे से जो शिवलिंग है वो घुल गए हैं, उसके बाद वो पानी जो है वो आपको किसी भी पेड़ की जड़ में, किसी ऐसी जगह जो है वो डाल देना चाहिए जहाँ पर किसी के पैर ना पड़े, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जो सावन है वो आने वाला है, शिवलिंग का निर्माण कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, पूजन अर्चन कीजिए और विसर्जन जो है वो ज़रूर कीजिए। विसर्जन करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए शिवलिंग का निर्माण और शिवलिंग का विसर्जन करना अति आवश्यक होता है। तो आप लोग इस सावन में, अगर आपने कभी नहीं बनाए हैं तो इस सावन में शिवलिंग का निर्माण कीजिए और उनका विसर्जन कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।